राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कहा है। उनके इस बयान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुटकी ली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, सरोज पांडे की अभी शादी नहीं हुई है। ऐसा है, उन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बच्चा बोल दिया, तो जब आप यदि किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, दो बार का विधायक है, सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, तो उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे? वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है, तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कम बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, तो आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसी क्या बात है। और रसोई गैस की कीमत में केंद्र सरकार द्वारा की गई 200 रुपए की कटौती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो बढ़ रहा है वही घट रहा है, पहले 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए कर लो फिर घटा दो, ये व्यापारी जैसी बात है, ये ठगने वाला काम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में रसोई गैस की कीमतों को लेकर कहा कि अचानक 200 रुपए कम हो गए, हिमाचल के उपचुनाव में एक लोकसभा और 3 विधानसभा हारे तो डीजल का भाव गिरा था, बीजेपी से एक बात पूछनी है कि रेट बढ़ता है तब कहते हैं कि बाजार से जुड़ा हुआ है, ये फिर यहां गिराने वाला काम कौन करता है? अचानक 200 रुपया कम हुआ, आपको याद होगा जो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हो रहा था, उप चुनाव हुआ और उस समय एक लोकसभा 3 विधानसभा हारे तो डीजल और पेट्रोल के भाव अचानक गिरा था। लेकिन एक बात मुझे पूछनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये रेट बढ़ता है तब बोलते हैं कि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपये, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 400 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुंचा, और ये गिराने वाला काम कौन करता है? बढ़ाने वाले तो मार्केट का नाम ले देते हैं, लेकिन 200 रुपये कम किया इसका फैसला किसने किया? तो जो घटा रहा है वही बढ़ा रहा है, और फिर पहले 400 का 1200 कर लो, उसके बाद 200 रुपये घटा दो, तो ये तो व्यापारियों जैसी बात है। दीपावली समय बोलते हैं ना 50% छूट, 20% छूट, ये उसी प्रकार से पहले 1200 कर लिए, अब 200 रुपये छूट।